हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का सब्सक्राइबर शाउट आउट है हमारे नए सब्सक्राइबर का नाम, जिनका नाम है रोहिणी जी। तो रोहिणी जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, और बहुत बहुत थैंक यू आपके इस कमेंट के लिए। आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के बारे में, जोमैटो मेन्यू एडिशन, जिसमें हम आइटम्स को ऐड करना सीखेंगे, इमेजेस को अपलोड करना सीखेंगे, प्राइस को चेंज करना, एडॉन्स करना और हाफ फुल कैटेगरी बनाना और आइटम्स को डिलीट करना। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम पूरे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके सामने है इंस्टाग्रामा। हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। हमने यहाँ पे कर लिया अपने जोमैटो एप्लीकेशन को लॉगिन। हम चलेंगे मेन्यू ऑप्शन में। मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारा पूरा मेन्यू जो है रेस्टोरेंट का वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे हम अपने पूरे मेन्यू की डिटेल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाल फ्राई बटर प्लस 2 तंदूरी रोटी का डिटेल आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे इस आइटम को अगर डिलीट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो सिंपल है। आप इसमें आइए, इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला है डिलीवरी, टेक अवे एंड डिलीट। डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका, मान लीजिए ये आइटम डिलीवरी के लिए अवेलेबल है तो आप उस पर डिलीवरी पर टिक रखिए। अगर टेक अवे के लिए अवेलेबल है तो टेक अवे पर टिक रखिए। अगर दोनों के लिए अवेलेबल है तो दोनों पर टिक रखिए। अगर आइटम ये आपका आपके मेन्यू में है ही नहीं, या फिर ये आइटम आप बनाते ही नहीं हैं अब, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल जाना है डिलीट सेक्शन पर, और यहाँ पर आप उसको डिलीट पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आपका ये आइटम डिलीट हो जाएगा। बाकी आप सारे अपने आइटम्स की यहाँ पे बगल में डिटेल देख सकते हैं। लेट से मेरा कोई आइटम ऐसा है जो अभी मेरे पास में ख़त्म हो चुका है और बाद में, मतलब जब मैं बनाऊंगा तो दोबारा से अवेलेबल होगा। लेट से मेरा एक आइटम है, हम लेते हैं कैटेगरी मटर मसाला की। तो मटर मसाला, लेट से आइटम मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं इस पर सिंपल जाऊंगा यहाँ पे, और इस डॉट पे मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, ये आइटम मेरा बंद हो जाएगा। तो जब भी मेरा आइटम अनअवेलेबल हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, तो मैं डायरेक्टली इस पर जाके बंद और चालू कर सकता हूँ। अब चलिए हम लोग कुछ प्राइजेस चेंजेस करके देखते हैं कि प्राइस चेंज कैसे होगा। प्राइस चेंज करने के लिए लेट से हमें चिकन फ्राई का प्राइस चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च बार में चिकन फ्राई टाइप करूँगा। जैसे मैं टाइप करूँगा, ये स्टार्टर सेक्शन में आ जाएगा, उसके बाद बगल में इसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे पास में ये कैटेगरी खुल के आ गई है, 5 पीसेस 10 पीसेस की। तो मुझे किसका चेंज करना है, मैं वहाँ पे चेक कर लेता हूँ। लेट से मुझे 5 पीसेस की चेंज करना है, तो 5 पीसेस का जो भी रहेगा मैं उसको डिलीट कर दूँगा, और डिलीट करके लेट से 200 मैंने डाल दिया। 10 पीसेस का लेट से मेरा 320 है, तो मैं उसको एज इट इज़ रहने दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इसकी अपडेट हो चुकी है। प्राइस ऐसे ही मेरी अपडेट हो जाएगी। मुझे सिंपल क्या करना है, इसको सर्च बार में वापस से कैंसिल कर देना, तो पूरा मेन्यू मेरा वापस से खुल के आ जाएगा। अब लेट से मुझे कोई एक नया आइटम इस पर्टिकुलर कॉम्बोज की कैटेगरी में ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना, मुझे उस पर्टिकुलर नीचे आइटम ऐड आइटम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मुझे वो आइटम का नाम डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पनीर टिक्का का मैंने डाला हुआ है, टिक्का। हाँ, अब ये हो गया। अब इसमें मुझे बाहर सिंपल क्लिक करना है और एंटर प्राइस पे क्लिक करना है। लेट से मैंने इस पर कुछ प्राइस डाल दिया अपना, 210 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा फुल डिटेल उसकी खुल के आ जाती है। फिर मैं यहाँ पे जो भी अपना सिलेक्शन करना रहेगा, ये वेज है, नॉन वेज है, डिलीवरी सेक्शन में होगा, इसका टैक्सेस चार्जेस, सब कुछ A to Z मैं यहाँ पे उसके मार्क कर दूंगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ये आइटम खत्म हुआ, तो मार्क आउट ऑफ स्टॉक भी कर सकता हूँ। लेट्स से वेज नॉन वेज यहाँ पे देख सकता हूँ, डिलीवरीज का देख सकता हूँ। मैं इसमें फोटोज भी अगर अपलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे फोटोज भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको फोटोज, डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ डालना बहुत जरूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट पे इस पर्टिकुलर आइटम का ऑर्डर आए तो। और बाकी मैंने यहाँ पे एक लिंक डाल दिया है, अगर आपको फोटोज कैसे अपडेट करनी है ये देखना है, तो आप इस पर क्लिक करिए और इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। टैक्सेस एंड चार्जेस लिखा हुआ है, तो टैक्सेस एंड चार्जेस में डाल दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे जरूर डालूंगा। डिस्क्रिप्शन डालना बहुत ही मस्ट होता है, आप इसको बहुत ध्यान में रखिए। जब भी कस्टमर आपका एप्लीकेशन ओपन करता है, तो वो एटलीस्ट ये जान पाए कि आपने एक फूड कैसे बनाया। अगर पनीर टिक्का बना रहे हैं, तो उसमें आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सबका बनाने का स्टाइल अलग होता है हर एक शेफ़ का। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमें कोई आइटम ऐसा ऐड करना है जिसमें ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है। लेकिन सपोज करिए अगर कोई आइटम ऐसा है जिसमें मेरी कैटेगरी नहीं बनी हुई है, लेट्स से मेरा यहाँ पे बिरयानी सेक्शन बना हुआ है, लेकिन मेरा एक, मान लेते हैं यहाँ पे सैलड का सेक्शन नहीं बना है, तो अगर मुझे सैलड ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सबसे पहले अपना ऐड मेन्यू कैटेगरी पे। जैसे मैं ऐड मेन्यू कैटेगरी पे जाऊँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके मैं सारी डिटेल वापस से फिल आउट करूँगा। तो चलिए करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ऐड मेन्यू कैटेगरी पे। यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बनाऊँगा सैलड की। तो देखिए मैंने यहाँ पे SALAD सैलेड कर दिया, तो ये सैलेड का मेरी कैटेगरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं।
या तो मैं इस पर सब कैटेगरी बनाऊँ या तो मैं डायरेक्टली आइटम ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐड तो मैंने ऑलरेडी कैटेगरी कर दी है, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आप आइटम का नाम डालना चाहेंगे, जिसका एग्जांपल है स्टार्टर वेज। मतलब यहाँ पे ये है कि आप अब सैलेड के अंदर अपनी सब कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे 3-4 सब कैटेगरीज हैं। पहली सब कैटेगरी है मैं ग्रीन सैलेड देता हूँ, दूसरी सब कैटेगरी है मैं लीफ सैलेड देता हूँ, तीसरी सब कैटेगरी है मैं हेल्थ सैलेड देता हूँ। अब हम यहाँ पे अपना सब कैटेगरी बनाएंगे। तो इसमें लेट्स से मेरे पास में 3-4 सब कैटेगरीज हैं। पहली सब कैटेगरी है ग्रीन सैलेड की, दूसरी सब कैटेगरी है मेरी लीफ सैलेड की। तो हम पहले बनाते हैं अपने ग्रीन सैलेड की। तो इसमें हम सिंपल टाइप करेंगे ग्रीन सैलेड, ठीक है। तो ये हमने टाइप करके सेव कर लिया। तो अब जैसे बाहर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेव जाओ। तो मेरी कैटेगरी बन गई सैलेड की, दूसरी बन गई सब कैटेगरी। अब मैं ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा। तो लेट्स से ऐड आइटम पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो चुका है कि मैं जो भी आइटम डालना चाहता हूँ यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना ऑनियन, खीरा, जो भी आपको डालना है यहाँ पे आइटम का नाम आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनियन प्लस खीरा कर दिया। तो ये मेरी बेसिकली ग्रीन सैलेड हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं इसका आइटम प्राइस ऐड कर देता हूँ। लेट्स से इसकी आइटम प्राइस हमने रखी है 20 रुपीज़। तो हम यहाँ पे 20 कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको अभी भी लगता है कि नहीं ये मेरे ऑलरेडी एक कैटेगरी इस नाम से बनी हुई है सैलेड नाम से, तो मैं यहाँ पे मैप एग्जिस्टिंग कैटेगरी पे जाऊँगा और यहाँ पे जो भी उसमें कैटेगरी रहेगी मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा। लेकिन मेरी ऐसी कोई कैटेगरी में नहीं है, तो हम इसको अलग से क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा, अनियन ग्रीन सैलेड का जो है मेरा सब कुछ खुल के आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी ग्रीन सैलेड में, ऑलरेडी मेरे कैटेगरी के अंडर में ग्रीन सैलेड की सब कैटेगरी बनी हुई है। और यहाँ पे एग, नॉन वेज, वेज जो भी मेरा यहाँ पे डिटेल है, मैं वापस से उसको मार्क करूँगा या फिर फिल करूँगा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सर्विस टाइप बेसिकली क्या होता है। सर्विस टाइप का मतलब यह है कि डिलीवरी या टेक अवे। डिलीवरी का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप जोमेटो के डिलीवरी में यूज़ करेंगे, या फिर टेक अवे का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई कस्टमर आता है आपका मेन्यू देख के, जो कि ये मेन्यू आप जब जैसे ही आप डालेंगे ये मेन्यू ऑफलाइन के लिए भी जोमेटो के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप टेक अवे पे क्लिक करते हैं इसका मतलब ये है कि ये टेक अवे भी। तो ये बेसिकली डिटेल्स मेरी हो गई हैं। अब हमें लेट्स से इसकी इमेज ऐड करनी है। तो हम सीधा चलेंगे अपने इमेजेस एंड वीडियो सेक्शन में, और वहाँ पे जाने के बाद हम उस पर क्लिक करके सीधे इस पोर्टल पे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 मेजर्स बताए गए हैं, उसी हिसाब से मैंने ये लेट्स से ये इमेज अपलोड कर दी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मैं आ जाऊंगा आइटम डिस्क्रिप्शन में। आइटम डिस्क्रिप्शन में मुझे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मुझे यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रीन सैलेड विथ खीरा एंड अदर ग्रीन लीव्स। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपकी अगेन कैटेगरी मेरी बनी हुई है, तो मुझे इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे सर्व इन्फो आप डाल सकते हैं कि कितने लोग को सर्व हो सकता है, एक दो, कितनी इसमें कैलोरीज हैं वो आप डाल सकते हैं अगर आपके पास कुछ ऐसा मेजर है तो। प्रिपरेशन टाइम कितना लगेगा, आधा घंटे, 5 से 10 मिनट, 15 से 20 मिनट, ये चीज़। बेवरेजेस है या नहीं है इसमें, तो ये बेवरेजेस है नहीं, मिसलिनियस में कुछ नहीं, मतलब अगर कॉम्बोज एक्सक्लूसिव ऑफर आप दे रहे हैं ऐसा तो इसमें आप डाल सकते हैं। सिग्नेचर आइटम तो नहीं है कहीं है। दूसरा चाहिए स्पाइसी लेवल, इसका मीडियम स्पाइसी, मतलब कि आप सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग, कि या स्पाइसी है नहीं है, या फिर इसमें अगर कुछ अल्कोहल मिला हुआ है, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड। तो ये तो बात होगी हमारे आइटम एडिशन की। तो आइटम एडिशन हमने अपना कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मुझे अगर हाफ फुल वेरिएंट बनाना पड़ता, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं कोई चिकन का आइटम ऐड करता, वहाँ पे मुझे हाफ फुल या क्वार्टर का सेक्शन बनाना पड़ता, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ ऐड ऑन देना पड़ता, कि मतलब अगर कोई कस्टमर चिकन ऑर्डर कर रहा है तो उसके साथ में वो चावल मतलब राइस और ब्रेड्स भी ले सकता है। तो उसके लिए सिंपल हमें आ जाना है कस्टमाइजेशन सेक्शन पे। तो चलिए करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड वेरिएंट्स एंड ऐड ऑन्स पे। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो हमारा ऑलरेडी खीरा ऑनियन वाला ही है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अगर डिलीट करना है, लेट्स से ये मेरे क्वार्टर का सेक्शन है, मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा, मेरे पास में सिर्फ दो ही है, हाफ और फुल। तो यहाँ पे मैं पहले तो यहाँ पे ऐड करूँगा 50 नहीं, इसको मैं कर दूँगा 20 रुपीज़। तो बेसिकली ये मेरा क्वार्टर जो हो गया 20 रुपीज़ का हो गया, फुल जो हो गया इसका ये 40 रुपीज़ का हो गया। इसको मैंने कर दिया डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बन के, ओ सॉरी, यहाँ पे ये क्वार्टर आ रहा है, तो मैं दोबारा से वो क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वापस से आ जाऊँगा चेंज करने के लिए। तो मैं इसको करूँगा हाफ, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, मुझे वापस से यहाँ आना पड़ेगा वेरिएंट प्राइसिंग पे, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो हाफ मैंने कर दिया। अब जैसे आप देख सकते हैं डन हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, डन कर देंगे।
ये तो बेसिकली बात हो गई कि हम अगर हाफ फुल सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं एड ऑन सेक्शन की। एड ऑन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ से कोई चिकन का या फिर आइटम ऑर्डर कर रहा है, या फिर वो कोई वेज का आइटम पनीर वनीर कुछ भी ऑर्डर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कढ़ाई पनीर ऑर्डर कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसको जैसे वो कढ़ाई पनीर पर क्लिक करे उसके सामने ब्रेड का भी ऑप्शन खुल जाए, मतलब उसको अलग से ढूंढना ना पड़े कि क्या क्या लेना है, मतलब चावल भी लेना है, ब्रेड्स भी लेना है, या फिर उसके साथ में सैलड भी लेना है, तो वो सब कुछ एक ही जगह पर ऐड हो जाए। मतलब जैसे ही वो पनीर पर क्लिक करेगा उसके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो, या फिर उसके सामने ऑप्शन आएगा कि अगर आप रोटी लेना चाहते हैं तो वो वहीं से डायरेक्टली ऐड कर लेगा। उसको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि चावल कहाँ पे है, राइस कहाँ, चावल कहाँ पे, ब्रेड्स कहाँ पे। तो हमने सिंपल एडऑन्स पे क्लिक कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एडऑन्स बना हुआ है। हम यहाँ पे क्रिएट एडऑन ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एडऑन का नाम डालेंगे। लेट्स से मेरा सैलड के साथ में डिप्स जाता है कुछ, अगर डिप्स है मान लीजिए, तो मुझे यहाँ पे मेयोनीज हो गया, तो मुझे मेयोनीज मैंने डाल दिया यहाँ पे। आप मान लीजिए ऊपर है अगर आपको चिकन डालना है तो या फिर चिकन डाल दीजिए, या फिर आप वहाँ पे ब्रेड्स एंड राइस डाल दीजिए, तो मैंने अगर मान लीजिए मेयोनीज डाल दी, मेयोनीज मैंने डाल दिया 5 रुपये का। मेयोनीज साथ में सैलड के साथ में क्या जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे जाएगा सॉल्ट अगर उसको चाहिए तो कस्टमर को, तो यहाँ पे SALT सॉल्ट कर देंगे और इसको हम पैसा नहीं लेंगे। यहाँ पे आप पैसा भी सेट कर सकते हैं। पैसा सेट करने का मतलब ये होगा कि आप जो है यहाँ पे कस्टमर को ये बोलोगे कि अगर आप आइटम ये वाला ऐड करते हो इस पर्टिकुलर आइटम के साथ, मतलब अगर आप लेट से सैलड के साथ में मेयोनीज देते हो तो 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब सैलड की कॉस्ट हो गई 20 रुपये और प्लस 5 रुपये मेयोनीज का, मतलब 25 रुपये। सेम चीज़ अगर मान लीजिए चिकन के साथ में, चिकन का आइटम आपका लेट से हाफ अगर आप ले रहे हो 100 रुपये का, और उसके साथ में आप लेट से अगर 3 ब्रेड रोटी ले रहे हो तो आपको 3 रोटी की कॉस्ट पड़ेगी 15 रुपये, मतलब 115 रुपये टोटल आपको पड़ेगा और ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना मेयोनीज और सॉल्ट ऐड कर लिया। यहाँ पे आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है कि आप ये बताएंगे कि आप या तो एक आइटम को लीजिए या तो दोनों या तीनों ले सकते हैं, मतलब जो जितना हो। तो आप बेसिकली इसमें क्या करिए, मिनिमम और मैक्सिमम को पहले मिनिमम को एक रखिए, मतलब कम से कम एक आइटम वो ऐड करें, और मैक्सिमम को जितने आइटम्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे एडऑन्स में, जैसे मान लीजिए कि चिकन के साथ में आपने रोटी कर दिया, चिकन के साथ में आपने राइस कर दिया, चिकन के साथ में आपने सैलड कर दिया, चिकन के साथ में आपने एक कोल्ड ड्रिंक कर दिया, मतलब 4 आइटम मेरे हो गए, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 4 डालिए। तो वो क्या करेगा, या तो वो एक चूज कर सकता है, या तो वो चारों चूज कर सकता है, या तो 3 चूज कर सकता है। तो मतलब मिनिमम एक कर सकता है और मैक्सिमम वो चाहे जितने नंबर ऑफ आइटम्स को चूज कर सकता है। लेकिन अब ये चीज़ पिज़्ज़ाज़ में कैसे होता है, पिज़्ज़ाज़ में होता है जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपने एक बनाया है अपना कैटेगरी कि पिज़्ज़ा का कैटेगरी बनाई, उसके अंदर एक आइटम ऐड किया, उसके बाद आपने एक यहाँ पे एडऑन ऐड किया। एडऑन में आपने लेटर सेक्शन डाला कि आप कैप्सिकम वाला ले सकते हैं, या फिर आप उसमें ले सकते हैं पेपरोनी पिज़्ज़ा, या फिर आप ले सकते हैं पेपर पिज़्ज़ा। तो इसमें 3-4 आपने कैटेगरी, तो वहाँ पे आपको मिनिमम एक करना पड़ेगा और मैक्सिमम भी एक ही करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए पेपरोनी के साथ में आप दूसरा वाला मतलब मैग्रेटा कैसे बना पाएंगे, तो वो एक मतलब बेस सेम होगा बट वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट पड़ेंगे वो दोनों का अलग, तो मिनिमम एक होगा और मैक्सिमम भी एक होगा यहाँ पे। बट हम यहाँ पे 2-3 कर सकते हैं, मतलब मिनिमम भी एक कर सकते हैं और मैक्सिमम चाहे हम जितना नंबर ऑफ आइटम कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे रहेगा ऐड। तो लेट्स से यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 कर देते हैं, तो मतलब वो एक ले सकता है या तो 2 ले सकता है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे सीधा और यहाँ पे ऐड ऑन ग्रुप पे क्लिक करेंगे और डिप्स, मैंने डिप्स का एक सेक्शन बनाया था, ये डिप्स ऐड हो गया मेरा। अगेन हाफ में भी सेम चीज़ करेंगे, हमारा डिप्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड दिस 2 वेरिएंट ओनली, इस पर हमने क्लिक कर दिया और ये मेरा बेसिकली वेरिएंट क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी कुछ भी क्रिएट हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल आप वापस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ऐड ऑन ऐड हो गया डिप्स में। अब ये सब कुछ मेरा सब कुछ हो चुका है, एक कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली है, कैटेगरी बाद हमने सब कैटेगरी और उसके बाद हमने यहाँ पे आइटम ऐड कर दिया, आइटम को स्पेशलाइजेशन दे दी, उसमें कस्टमाइजेशन भी कर दिया, एडऑन्स भी कर दिया। सब कुछ करने के बाद मुझे सिंपल है, एक बार मैं चेक कर लूँगा ऊपर से लेके नीचे तक, और मैं यहाँ पे जाके अपना ऐड आइटम पे अगर मुझे कुछ दोबारा चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वरना मैं इसको सिंपल सेव कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक कंसेंट मांगा जा रहा है कि आप ये कंसेंट दीजिए कि आपका सब कुछ सही है, मतलब आपने स्पेलिंग सही रखी है, डिस्क्रिप्शन डाला है, क्वांटिटी सही है, प्राइसिंग सही है, सब कुछ A to Z सब कुछ सही है, और यहाँ पे आप कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करो, ऐसा नहीं कुछ गलत आप बता रहे हो कस्टमर को। बस यहाँ पे जैसे मैं करूँगा आप देख सकते हैं ये अंडर रिव्यू चला गया, 24 घंटे के अंदर ये अगर सब कुछ सही रहा तो ये अप्रूव हो जाएगा, और ये बेसिकली अप्रूव हो ही जाता है। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं अप्रूव होता, ये बेसिकली अप्रूव हो जाता है। तो ये पूरा मेरा सेक्शन जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब तो ये तो बात हो गई मेरे आइटम एडिशन की। मान लीजिए कोई आइटम आपका ऑलरेडी है, या फिर एक ग्रीन सैलड ही है, आपको लगता है कि नहीं ये मेरा ग्रीन सैलड जो है मुझे नहीं रखना है, तो इसको हम आइटम को डिलीट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, अगेन वही उसी सेक्शन में आइए, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप थोड़ा होल्ड करेंगे और यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या आप पूरे कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। यहाँ पे आप देखिए डिलीट सैलड सक्सेसफुल। तो ये था आज का हमारा वीडियो, होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। और सुनिए एक चीज़ और, आपको इसके बाद 1.50 मिनट का एक वीडियो आएगा,
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो शायद आपके देखने से किसी और की ज़िंदगी बदल दे। बस प्लीज़ आप उसको देखिए। थैंक यू, बाय बाय, सबा खैर। क्या आप इंसान हैं? अगर हाँ, क्या आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? हाँ या ना? क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इंस्टागामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, क्योंकि आप अपने इस तीन पावर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का यूज़ करके होमलेस और नीडी पीपल्स को उनके दो वक्त की रोटी दे सकते हैं। क्योंकि हम इंस्टागामा चैनल और इंस्टागामा फाउंडेशन आपके इन तीन पावर्स का यूज़ करते हैं अपने YouTube मनी को बनाने के लिए, और YouTube मनी से हम इन होमलेस और नीडी पीपल्स की हेल्प करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है इंस्टागामा फाउंडेशन का, जो कि इंडिया को और भी मजबूत बना रहा है। तो अपने इंस्टागामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।